आफ्टरनून एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। आज का क्लास थोड़ा आप लोगों के लिए मैं लेट लेके आया हूँ। मॉर्निंग से इस पे थोड़ा काम कर रहा था। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं अभी तक के क्लास की बात करूँ तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ गेजेस हमारी पहली क्लास में पढ़े थे। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। वहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी रिलेटेड टू योर फिट्स। जैसे हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट एंड इंटरफेरेंस फिट। उसके बाद हम लोगों ने टॉलरेंस के बारे में समझा था, यूनिलेटरल टॉलरेंस और बायलेटरल टॉलरेंस। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी अलाउंस की और एंड में हम लोगों ने बात करी थी होल बेसिस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम की। तो इतना आप लोगों का जो कॉम्बिनेशन था इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो हो गया था। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के लिए बचता है वो है द गेज डिजाइन। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो गेज डिजाइन स्टार्ट करने से कुछ हद पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन रिवाइज करना चाहूंगा रिलेटेड टू द गेजेस। कि गेजेस जब हम लोगों को डिजाइन करने होते हैं तो कौन से पार्ट्स के बारे में हम लोगों को कंसिडरेशन करना होता है। सो वील अंडरस्टैंड दिस इन दिस टॉपिक। अब समझिए, सबसे पहले हम लोग बेसिकली दो टाइप के गेजेस की डिजाइन करते हैं। एक होता है आप लोगों का प्लग गेज और दूसरा जो होगा वो आप लोगों का हो जाएगा रिंग, या जिसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी स्नैप गेज। तो हम लोगों को अभी तो बात करनी है सबसे पहले प्लग गेज की। तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले अभी मैं रिंग गेज के बारे में जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर इसको पूरा का पूरा क्लीन कर दूं। ओके, यहां पे आप लोगों को बात करें, आप लोगों को होल डायमीटर, होल का डायमीटर है मान लीजिए दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 40 mm। कितना दिया हुआ है? 40 mm। और इसको चेक करने के लिए गेज डिजाइन करना है। ओके, इसको चेक करने के लिए गेज डिजाइन करना है। तो बहुत बेसिक सी बात है कि हमेशा होल को चेक करने के लिए जो गेज बनेगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा प्लग गेज। क्या यूज करेंगे हम लोग? प्लग गेज। ठीक है, वेरी गुड। तो होल जो है 40 mm का है, पर होल के ऊपर भी कुछ ना कुछ टॉलरेंस दी हुई होगी। जैसे होल के ऊपर दी हुई टॉलरेंस प्लस माइनस 0.003 mm। क्या दी हुई है होल के ऊपर? प्लस माइनस 0.003 mm। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जो गेज डिजाइन करोगे, अब मैंने आप लोगों को प्लग गेज के बेसिक में बताया था, एक प्लग गेज का पोर्शन होता है गो पोर्शन और एक होता है नो गो पोर्शन। ओके, तो बहुत कॉमन सेंस की बात करें, ये नो गो पोर्शन हमेशा रेड कलर के साथ वहां पे पेंट किया होगा, जिस वजह से आप लोगों को पता चले कि नो गो पोर्शन जो है वो उस शाफ्ट के अंदर जाना नहीं चाहिए, होल के अंदर जाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को यह समझना है कि आप लोगों का गो मेंबर और नो गो मेंबर कौन से डायमेंशन पे बना होगा, क्योंकि एक होता है आप लोगों का होल का अपर लिमिट और एक होता है होल का लोअर लिमिट। तो यहाँ पे मैं डायमीटर्स लिख दूं, द अपर लिमिट ऑफ होल विल बी 40 प्लस 0.003, एक जीरो कम कर देते, चलिए 0.03 अभी इसको हम लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को समझने में आसानी रहे। अभी इसको भी मैं चेंज कर देता हूं। वहां पे क्या होगा, जब हम लोग परसेंटेज लेंगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों की गलती बढ़ जाएगी, फिर ये हो जाएगा 0.03 ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं 0.03, मतलब ये हो गया 40.03 mm आप लोगों के अपर लिमिट होल का। इस हिसाब से आप लोगों का लोअर लिमिट क्या होगा? लोअर लिमिट आप लोगों को बनेगा 40 माइनस 0.03। 40 माइनस 0.03 मतलब ये हो गया 39.97 mm। ओके, वेरी गुड। आप लोगों के पास जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट वो तो दोनों के दोनों हो गए। अब इसको पढ़ाने के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बहुत बेसिक सी चीज पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक नई स्लाइड ले रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम मेटल कंडीशन। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? मैक्सिमम एंड मिनिमम मेटल कंडीशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। अभी मैं आप लोगों को ड्राइंग करके जो भी पढ़ाऊंगा उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों की बुक में जहां पे भी ये टॉपिक लिखा हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम मेटल कंडीशंस का, यहां पे मैं पहले मैक्सिमम ही लिखा है वही समझाने वाला हूं, वो आप लोगों को जाके देख लेना है। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन में फर्क क्या है? देखिए, हम लोगों के पास दो पार्ट है, एक होता है आप लोगों का होल और एक होता है शाफ्ट। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं आप लोगों के होल और शाफ्ट को, यहाँ पे मैं बना देता हूं। मान लीजिए ये आप लोगों का बन गया होल और यहाँ पे हम लोगों ने दे दिए इसके टॉलरेंस, इसको हम लोग हैचिंग कर देंगे, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं।
तो आप लोगों को समझ में आ जाए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट अ बिट इजीली। ओके, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर होल और ये हम लोगों ने उसका लिख दिया है टॉलरेंस, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का होल। और यहां से मैं इसका दिखा देता हूं शाफ्ट, और ये हो गया आप लोगों का शाफ्ट का टॉलरेंस, ठीक है, होल और शाफ्ट। अब सीधी सी बात है, यहां पे मैं मार्कर का कलर अगर चेंज कर लूं, लेट्स टेक डार्क ब्लू कलर, तो ये जो पोर्शन होगा दिस विल बी द मैक्सिमम लिमिट फॉर शाफ्ट, होगी कि नहीं होगी, शाफ्ट की अपर लिमिट जिसको अभी हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम लिमिट, और इतनी जो होगी ये होगी मिनिमम लिमिट या लोअर लिमिट। अब एम ही है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो जाएगी इसकी लोअर लिमिट, कितने खाली ये लाली। इसी तरह होल के लिए ये हो जाएगा इसकी लोअर लिमिट, लोअर मेटल लिमिट, अभी मैं कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं, और ये हो जाएगी इसकी अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट। तो आप लोगों को लिमिट तो समझ में आई। अब सीधी सी बात है, जब मैं होल लोअर लिमिट के हिसाब से बनाऊंगा, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, होल की, तो होल जब भी मैं बनाऊंगा विथ लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट पे जब भी मैं बनाऊंगा, तो लोअर लिमिट का जो होल होगा उसका एग्जैक्ट जो डायमीटर होगा वो इतना होगा, और अपर लिमिट का जो होल होगा, मैं एक और बार कलर चेंज कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट, और जो अपर लिमिट का जो होल होगा, अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम लिमिट का जो होल होगा, उस पे जब हम लोग हैचिंग करेंगे तो खाली कितनी हैचिंग करनी होगी आप लोगों को, ये पोर्शन जितनी हैचिंग करनी होगी, देख लीजिए यहाँ पे इतनी। तो ये बात तो आप लोगों को समझ लेनी है कि आप लोगों का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ये किस कंडीशन से डिफाइन होगा, ये आप लोगों को इस इमेज से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का येलो जो पोर्शन है, ये होल का मैक्सिमम लिमिट लिया हुआ है, जब लोअर लिमिट लोगे, ओके, अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, मेरे को भी मार्कर चेंज करने में थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, तो हमेशा याद रखिए, मैं आप लोगों को साइड में इसका साइड व्यू देके बनाऊं, होल कुछ ऐसा है, ये मैंने होल लिया है, अब ये जो डायमेंशन जो मैंने लिए लोअर लिमिट के हिसाब से लिए, और यही का यही मैं होल बनाता हूँ विथ द रेफरेंस टू अपर लिमिट, ये मैंने किस हिसाब से बनाया, अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से। तो ये जो मटेरियल यूज हो रहा है, इतना मटेरियल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसमें यूज हो रहा है इतना मटेरियल, तो कौन सी कंडीशन में ज्यादा मटेरियल यूज होगा, ऑब्वियसली सब बोलेंगे कि सर ये वाली कंडीशन में मटेरियल ज्यादा यूज हो रहा है और ये वाली कंडीशन में मटेरियल कम। दैट मींस एक क्लियर कंडीशन बात है, जब आप लोग होल को लोअर लिमिट के हिसाब से बना रहे हो तो उसमें मैक्सिमम मेटल यूज होगा और उसको कहा जाएगा मैक्सिमम मेटल कंडीशन। याद रखिएगा, जब भी होल आप लोगों की लोअर लिमिट के हिसाब से बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल यूज करेगा, इस वजह से उस कंडीशन को कहा जाएगा मैक्सिमम मेटल कंडीशन। वेरी गुड। इसी तरह जस्ट अ मिनट, हाँ, इसी तरह जब आप लोग होल को अपर लिमिट या आप लोगों की हायर लिमिट के हिसाब से बनाओगे ये वाले केस में, तो वो कम मटेरियल यूज करेगा और इस वजह से वो बन जाएगा आप लोगों का मिनिमम मेटल कंडीशन। क्या बन जाएगा? मिनिमम मेटल कंडीशन। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझनी है, होल के लिए अगर आप लोगों ने लोअर लिमिट ली है तो वो मैक्सिमम मेटल कंडीशन को डिफाइन करेगा, और अपर लिमिट ली है तो वो मिनिमम मेटल कंडीशन को डिफाइन करेगा। अब शाफ्ट के लिए उल्टा हो जाएगा, जो रेगुलर केस हम लोग समझते हैं, शाफ्ट के लिए अगर आप लोग लोअर लिमिट बना रहे हो, देखिए ये शाफ्ट है, अब यहाँ पे लोअर लिमिट में इतना मटेरियल यूज होगा और अपर लिमिट में इतना मटेरियल यूज होगा, तो सीधी सी बात है कि लोअर लिमिट में जो शाफ्ट की कंडीशन होगी वो उल्टी, मतलब मिनिमम मेटल कंडीशन होगी, और जब आप लोग अपर लिमिट लेके ड्राइंग उसकी डिजाइनिंग करोगे तो वो बन जाएगी मैक्सिमम मेटल कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हम लोग गेट डिजाइन में यूज करेंगे, बहुत कॉमन सेंस का लॉजिक है, होल आप लोगों ने लोअर लिमिट लेके बनाया तो मैक्सिमम मेटल कंडीशन, मतलब मैक्सिमम मटेरियल यूज हो रहा है, और आप लोगों ने हायर लिमिट लेके बनाया तो कम मटेरियल यूज हो रहा है, इसलिए वो बन गया मिनिमम मेटल कंडीशन। और इसी तरह शाफ्ट अगर आप लोग लोअर लिमिट लेके बना रहे हो तो वो बन जाएगा आप लोगों का मिनिमम मेटल कंडीशन या मिनिमम एक्सेप्टेबल डायमीटर, जो बुक में लिखा हुआ है वर्ड, और अगर अपर लिमिट लेके बना रहे हो तो मैक्सिमम मटेरियल को यूज करेगा तो वो बन जाएगा उसका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डायमेंशन, और या तो मैक्सिमम मेटल कंडीशन उसको हम लोग बोलते हैं।
तो ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, अगर मैं आप लोगों को नहीं समझाता तो आप लोग गेज डिजाइन के टॉपिक में गड़बड़ करते हैं। तो वापिस आ जाते हैं, हम लोग गेज डिजाइन के तौर पे हम लोग डिजाइन कर रहे थे आप लोगों का प्लग गेज। ओके, हम लोग क्या डिजाइन कर रहे थे आप लोगों का प्लग गेज, ठीक है। तो मैंने अब आप लोगों को ये डायमेंशंस तो लेने बता दिए कि ये डायमीटर के लिए आप लोगों को गेज बनाना है। तो गेज की सबसे पहले तो हम लोगों ने होल के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट ली। मैं अभी तक गेज डिजाइन का फंडामेंटल ही चालू नहीं कर रहा हूं, ये मैंने खाली होल के लिए डिजाइन की कि होल का बड़े में बड़ा एक्सेप्टेबल डायमेंशन है 40.03 और मिनिमम में मिनिमम डायमेंशन है 39.97। तो सबसे पहले आप लोगों का काम है निकालना वर्क टॉलरेंस। क्या निकालना? वर्क टॉलरेंस। बहुत इजी काम है, वर्क टॉलरेंस तो सब लोगों को आती है। वर्क टॉलरेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद रख लीजिए, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वर्क टॉलरेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा 40.03 माइनस 39.97। कितना आएगा? कैलसी के बिना सॉल्व करना है हम लोगों को, एग्जाम में कैलसी अलाउड है, पर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 0.06 mm। मतलब इतनी टॉलरेंस तो ये आप लोगों को वर्किंग टॉलरेंस है कि आप लोग इतने डायमेंशन के अंदर पार्ट बनाओगे तो वो हमेशा एक्सेप्टेड होगा। बेसिक में बेसिक बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ तो और भी ऐड होगा, इतना सा काम होता तो यहाँ पे तो गेज डिजाइन बहुत इजी हो जाता है। तो वर्क टॉलरेंस के बाद आ जाता है आप लोगों का गेज टॉलरेंस। क्या आ जाता है वर्क टॉलरेंस के बाद आप लोगों का? गेज टॉलरेंस, ठीक है। गेज टॉलरेंस कितना होता है? तो याद रखिएगा, द गेज टॉलरेंस इज ऑलवेज द 10% ऑफ द वर्क टॉलरेंस। गेज टॉलरेंस कितना होता है? इट इज ऑलवेज द 10% ऑफ योर वर्क टॉलरेंस। दैट मीन्स ये हो जाएगा 10/100। परसेंटेज कभी भी हम लोगों को हटाना हो तो उसको डिवाइड बाय 100 कर लो इनटू 0.06 mm। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली गेज टॉलरेंस आप लोगों का एक बार 10 से डिवाइड करना है, सीधी सी बात है, मतलब ये हो जाएगा 0.006 mm। आप लोगों की गेज टॉलरेंस कितनी हो गई? 0.006 mm। अब देखिए, दो कंडीशन होती है आप लोगों का, एक जो पार्ट बनेगा गो का बनेगा डायमीटर और एक बनेगा नो गो का। और आप लोग दोनों पे अभी इस गेज टॉलरेंस को दोगे क्योंकि गो गेज का भी यूज होगा, नो गो का भी यूज होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोग गो गेज जो है, अगर मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया कि गो गेज बना दिया 40.0036 का, तो हर बार इतना बना पाओगे? नहीं, गो गेज भी एक लिमिट के अंदर बनेगा। इसी तरह नो गो गेज भी कोई लिमिट के अंदर बनेगा। तो अब हमारा काम है कि गो गेज और नो गो गेज के ऊपर हम लोगों को अलाउंस प्रोवाइड करने हैं। तो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? तो अब आप लोगों को कंसेप्ट काम आएगा, मैंने जो मिनिमम और मैक्सिमम मेटल कंडीशन का पढ़ाया। तो वो प्लग गेज के लिए जब भी हम लोग गो पार्ट को डिजाइन करते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, प्लग गेज के लिए जब भी हम लोग गो पार्ट को डिजाइन करते हैं तो हम लोग लेते हैं वहां पे, आप लोगों को देखना है ये प्लग गेज किसके लिए यूज हो रहा है। ये प्लग गेज यूज हो रहा है होल के लिए। प्लग गेज किसके लिए यूज हो रहा है? होल के लिए। अब हम लोगों को एक बात समझनी है, एक प्रिंसिपल है टेलर्स गेज प्रिंसिपल। टेलर्स गेज प्रिंसिपल के मैं स्टेटमेंट पे नहीं डाल रहा हूं, जा रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को खाली इसका यूज बता दे रहा हूं। ये क्या बोलते हैं महाशय, इन लोगों ने, इनने बहुत अच्छा काम किया हमारी टूल डिजाइन के लिए। टेलर्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमेशा जो गो गेज है आप लोगों का, याद रखिए, गो गेज को हमेशा आप लोग मैक्सिमम मेटल कंडीशन का यूज करके बनाइए। कोई भी गेज के लिए, रिंग गेज के लिए बना रहे हो या स्नैप गेज के लिए बना रहे हो या प्लग गेज के लिए, रिंग और स्नैप सॉरी एक ही हो गया। तो आप लोग जब भी रिंग गेज या प्लग गेज के लिए गेज बना रहे हो तो आप लोग उसको गो गेज को हमेशा मैक्सिमम मेटल कंडीशन के लिए बनाओगे और नो गो गेज को हमेशा किसके लिए बनाओगे? मिनिमम मेटल कंडीशन के लिए। पढ़ लीजिएगा, यही एक्सप्लेनेशन है पूरा का पूरा। स्टेटमेंट का निचोड़ मैंने आप लोगों को बता दिया कि टेलर्स टूल गेजिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, दैट योर गो गेज इज ऑलवेज मेड फॉर द मैक्सिमम मेटल कंडीशन एंड नो गो गेज इज ऑलवेज मेड और डिजाइंड फॉर द मिनिमम मेटल कंडीशन। और एक लाइन याद रख लीजिए, गो गेज जो है वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन को चेक करेगा। नंबर ऑफ डायमेंशन चेक करने हो तो उसके लिए हम लोग एक ही गो गेज बनाएंगे, और जितने डायमेंशन नो गो गेज के लिए होंगे, जितने डायमेंशन है वो वहां पे उतने गेजेस ही चाहिए पड़ेंगे आप लोगों को। ये सर ने क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहूंगा, जैसे आप लोगों का एक रेक्टेंगल है, अब इसमें आप लोगों को इसके दो पार्ट, दो डायमेंशन मेजर करने, एक करना है लेंथ और एक करना है ब्रेथ या विड्थ। तो यहाँ पे जो गो गेज होगा वो ऐसा कुछ बना हुआ होगा कि एक ही बार में दोनों के दोनों डायमेंशन को मेजर कर लेगा, लेंथ और ब्रेथ को।
पर जो नो गो गेज होगा वो हम लोग लेंथ के लिए अलग बनाएंगे और ब्रेथ के लिए अलग बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि नो गो गेज जाना नहीं चाहिए। अगर हम लोगों ने एक भी डायमेंशन गलत बना दिया वहां पे, जैसे ये नो गो गेज है, मैं लेंथ और ब्रेथ के लिए एक ही बना रहा हूं, मैंने कुछ ऐसा गेज बनाया कि जिसकी लेंथ जो है वो तो कम है पर उसकी ब्रेथ बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं जा रहा है। मतलब ये पार्ट है तो रिजेक्टेड, पर मेरा एक डायमेंशन बढ़ा है इसलिए मुझे लग रहा है कि पार्ट एक्सेप्टेड है, क्योंकि मेरी ब्रेथ जो है वो इस गेज की बहुत बड़ी थी। इसकी बजाय उल्टा, मेरे पार्ट की लेंथ बहुत बड़ी है पर उसकी ब्रेथ छोटी है। मतलब ये इस कंडीशन के हिसाब से तो गेज रिजेक्ट होना चाहिए, पर मेरे एक डायमेंशन बहुत बड़ा है गेज का, इस वजह से पार्ट हो जा रहा है एक्सेप्ट। तो ये कंडीशन क्या करती है, ये आप लोगों का एक रिस्क प्रोवाइड करती है, जिस वजह से आप लोगों को याद रखना है कि टेलर्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि गो गेज शुड बी डिजाइन एज पर द मैक्सिमम मेटल कंडीशन एंड इट शुड मेजर द नंबर ऑफ डायमेंशन विथ अ सिंगल गेज। नो गो गेज जो होता है इट शुड बी एज पर द मिनिमम मेटल कंडीशन, और वो एक ही टाइम पे एक ही डायमेंशन को मेजर या चेक, सॉरी ये मेजर नहीं करता, मैंने मेजर वर्ड जहां पे बोला मैं वापिस ले लेता हूँ, टू चेक द वन डायमेंशन। मतलब नो गो गेज बहुत सारे होंगे, गो गेज एक ही होगा। ओके, तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को जो कथा पढ़ाई है इसके ऊपर हम लोग यूज करेंगे गो गेज के हिसाब से। अब गो गेज हम लोगों को ये पता है कि हमेशा मैक्सिमम मेटल कंडीशन के लिए यूज होना चाहिए। किसके लिए यूज होना चाहिए? मैक्सिमम मेटल कंडीशन के लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं गो गेज, रिंग गेज की नहीं बात कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं स्नैप गेज की। तो स्नैप गेज क्या चेक करता है भैया? स्नैप गेज तो चेक करता है होल। स्नैप गेज किसके लिए चेक करने के लिए यूज होता है? सॉरी सॉरी मैं बात कर रहा हूँ सॉरी प्लग गेज की, मेरे बोलने में गलती हो गई। प्लग गेज जो है वो किसके लिए यूज होता है? टू चेक दी होल डायमीटर, और शाफ्ट का एक्सटर्नल डायमीटर चेक करने के लिए हम लोग रिंग या स्नैप गेज यूज करते हैं। मतलब जब भी हम लोग प्लग गेज की डिजाइन करेंगे तो हमारा जो गो पोर्शन होगा, गो पोर्शन किसके हिसाब से बनेगा? इट विल बी मेड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लोअर लिमिट, और नो गो पोर्शन किस हिसाब से बनेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हायर लिमिट। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, गो पोर्शन किस कंडीशन पे बनेगा? गो पोर्शन विल बी ऑलवेज मेड एज पर द लोअर लिमिट, और नो गो पोर्शन किस हिसाब से बनाना है? अपर लिमिट। ये कहां से आई? मैंने आप लोगों को जो कहानी पढ़ाई, दिस इज एज पर द मैक्सिमम मेटल कंडीशन रूल। ठीक है, तो यहां पे मुझे गो गेज किस हिसाब से बनाना है? गो गेज बनाना है आप लोगों के मैक्सिमम मेटल कंडीशन मतलब लोअर लिमिट को लेके। तो लोअर लिमिट आपकी कितनी है? लोअर लिमिट जो है 39.97, और इसके ऊपर मैं दे दूंगा आप लोगों की गेज टॉलरेंस। तो गेज टॉलरेंस कितनी होती है? प्लस माइनस ये आप लोग दे देंगे 0.006 mm। और नो गो गेज जो है वो हमेशा किस में बनेगा? मिनिमम मेटल कंडीशन। तो अभी हम लोगों ने बोला कि प्लग गेज के लिए जो नो गो गेज है वो अपर लिमिट पे बनना चाहिए, तो अपर लिमिट हो गई आप लोगों की 40.03 प्लस माइनस 0.006 mm। गेज टॉलरेंस भी मैंने दे दिया। तो आप लोगों को याद रखना है के बेसिक साइज गो और नो गो के ये होंगे, और इसके ऊपर हम लोग टॉलरेंस दे देंगे हमारा बनाने का। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया गेज टॉलरेंस। अब कभी कभी आप लोगों को क्या निकालना होगा कि आप लोगों का बेसिक साइज निकालना है गो मेंबर या नो गो मेंबर का। क्या निकालना है आप लोगों का? गो मेंबर या नो गो मेंबर का। और आप लोगों को वहां पे दिया हुआ है गेज वियर अलाउंस, एक नई चीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी अब? गेज वियर अलाउंस। गेज वियर अलाउंस कितना होता है? हमेशा आपका 10% होता है गेज टॉलरेंस का। तो गेज टॉलरेंस थी 0.06 mm, तो इसका भी 10% आप लोगों को निकालना है। तो ये हो जाएगा 10/100 इनटू 0.006, मतलब एक टेन से मैं डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 0.0006 mm। गेज वियर अलाउंस आप लोगों का कितना हो गया? 0.0006 mm। तो यहाँ पे ये करना क्या है आप लोगों को? 0.006 mm जो है ये आप लोगों के गो डायमेंशन में से माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है आप लोगों को? गो डायमेंशन के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, तो आप लोगों का गो मेंबर का जो बेसिक साइज बन जाएगा ये बन जाएगा 39.97 माइनस 0.0006। इसको मैं कैलकुलेट करूं तो हो जाएगा 39.9076 mm। कितना बनेगा ये? 9076 mm। इसी तरह नो गो पे वो प्लस होगा, पर नो गो पे करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो अलाउंस है ना, गेज वियर अलाउंस, ये हमेशा खाली गो पोर्शन पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? गो पोर्शन पे। गो पोर्शन पे क्यों देते हैं? क्योंकि गो पोर्शन हम लोगों को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि वो पोर्शन बार बार रब होगा। किसके बारे में जब हम लोग बात करें, जब हम लोग प्लग गेज की बात करें, तो वो पोर्शन बार बार शाफ्ट में जाएगा, घिसेगा घिसेगा। इस वजह से आप लोगों का जो गो पोर्शन होगा, हम लोग जो डिजाइन करेंगे वो थोड़ा बड़ा बनेगा। बेसिकली आप लोगों को उसको थोड़ा छोटा बना के ऐसा समझना है, पर इतना आप लोगों ने वियर अलाउंस ज्यादा दिया हुआ है, जिस वजह से घिसे तो इसका बेसिक साइज ही आ जाए, लिमिट के अंदर ही हो जाएगा। तो ये कंसिडरेशन हो जाता है यहाँ पे जब आप लोग डिजाइन करते हो कोई भी गेज की। तो गेज वियर अलाउंस आप लोगों को खाली याद रखना है कि आप लोग किस पे दोगे, खाली गो गेज पे दोगे। बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं आप लोगों का, यही चेक करने के लिए, आप लोगों का कह सकते हैं कि डायमीटर ही चेक करने के लिए कर लेते तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे होल को ही चेक करने के लिए एक प्लग गेज को और डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक स्लाइड ले लूँ, यहाँ पे नई स्लाइड हम लोग ले लेते हैं, आप लोग पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब आप लोगों को दिया हुआ है डिजाइन द लिमिट गेज टू चेक द होल डायमीटर ऑफ 45 प्लस माइनस, आप लोग ले लें, यहाँ पे दो अलग अलग दिए, 0.004 और 0.03, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वर्किंग टॉलरेंस। वर्किंग टॉलरेंस के लिए हम लोगों को चाहिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट हो गई 45.04 और ये हो जाएगी 44.97। दोनों का डिफरेंस निकालो तो वर्क टॉलरेंस होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए ये आप लोगों को एग्जाम में क्या करना है, जब भी आप लोग ये कर रहे हो ना, प्लीज वहां पे अगर आप लोगों की गलती हो रही है ना, तो केलसी को लेके बैठ जाइएगा, वरना आप लोग गड़बड़ करोगे, छोटे से काम के लिए आप लोगों का बहुत ज्यादा मार्क्स का लॉस हो सकता है। तो 45.04 माइनस 44.97 चेक कर लेना अच्छा हमेशा, तो ये हो जाएगा 0.07 mm। अब आप लोगों को निकालना है इसी का गेज टॉलरेंस। तो गेज टॉलरेंस कितना होता है, 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस। 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस मतलब इसको डायरेक्टली आप 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0.007 mm। अब हम लोगों ने अभी बात करी कि जब भी हम लोग प्लग गेट डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी गेट डिजाइन करे, तो गो गेट जो होता है वो मैक्सिमम मेटल कंडीशन के हिसाब से बनता है, और होल के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बोला मैक्सिमम मेटल कंडीशन किसको कोरस्पॉन्ड करती है, मैक्सिमम मेटल कंडीशन कोरस्पॉन्ड करती है लोअर लिमिट को। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों की ये इक्वल टू हो जाएगा लोअर लिमिट। ओके, तो आप लोगों के लोअर लिमिट क्या बन रही है, लोअर लिमिट अपन ने ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज 44.97 mm प्लस माइनस आप लोगों की गेज टॉलरेंस 0.007, और नो गो पोर्शन जो है वो किसको कोरस्पॉन्ड करेगा, अपर लिमिट को, दैट मीन्स 45.04 प्लस माइनस 0.007 mm। अब आप लोगों को एक चीज और निकालनी है, गेज वियर अलाउंस निकालना पड़ेगा। तो गेज वियर अलाउंस आप लोग कैसे निकालोगे, गेज वियर यहाँ पे मैं खाली लिख रहा हूँ, 10% ऑफ गेज टॉलरेंस कितना होता है, 10% ऑफ गेज टॉलरेंस। अब गेज टॉलरेंस कितना है, 10% ऑफ ये है 0.007 mm, मतलब इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0.0007 mm। ओके, ये तो 10% और निकल गया। अब मैंने आप लोगों को बताया कि गो पोर्शन का बेसिक साइज आप लोगों को निकालना है, किसका निकालना है, बेसिक साइज ऑफ गो पोर्शन। तो वो कैसे निकालोगे आप लोग, ये निकालोगे कि 44.97 जो है, 44.97 माइनस कर दोगे आप लोगों की जो ये गेज वियर अलाउंस आई, माइनस कर दोगे मतलब 0.007 mm, सॉरी 0.0007 mm, तो ये आएगा 44.9693 mm। कितना आएगा बेसिक साइज गो गेज का, 44.93 mm, इतना कर लो आप लोगों का सम हो गया। तो मैंने आप लोगों को प्लग गेज बनाना तो सिखा दिया, प्लग गेज के बाद आप लोगों को रिंग गेज और स्नैप गेज को भी डिजाइन करना है। रिंग गेज और स्नैप गेज कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बना के बता दूं, ये शाफ्ट का डायमीटर चेक करता है। तो ये गो और नो गो पोर्शन के लिए दोनों अलग अलग बनेंगे, डिजाइन कंसिडरेशन तो वही होंगे। ओके, ये मान लीजिए नो गो का है और एक गो का है, तो दोनों के लिए अलग अलग बनेंगे। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, आप उसके साथ काम चलाना पड़ेगा थोड़ा बहुत यहाँ पे। तो हम लोगों को इसको कैसे डिजाइन करना है, हमारी क्या क्या कंडीशन आती है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, तो आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो एक बार आप लोग वीडियो को वापिस भी देख सकते हैं। आप लोगों को दिया हुआ है डिजाइन अ गेज टू चेक द शाफ्ट डायामीटर, किसका डायामीटर चेक करना है, शाफ्ट का डायामीटर दिया हुआ है 30 प्लस 0.01 और माइनस में है 0.02। दैट मीन्स अब आप लोगों को दो चीज निकालनी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होल की। तो अपर लिमिट बन जाएगी 30
प्लस 0.01 और लोअर लिमिट बन जाएगी 29.98, मैंने कैलकुलेट ही कर दी, 30 माइनस 0.02 करते हैं तो ये हो जाएगा 30.01 mm, इतना तो आप कर ही सकते हो, और ये 29.98 mm। सबसे पहले निकाल लीजिए वर्क टॉलरेंस, वर्क टॉलरेंस कितना आएगा, वर्क टॉलरेंस आएगा आप लोगों का सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 30.01 माइनस 29.98, ये हो जाएगा आप लोगों का 0.03 mm। वेरी गुड। अब आप लोगों को निकालना है सबसे पहले गेज टॉलरेंस, तो गेज टॉलरेंस कितना होता है 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस, दैट मींस इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा जल्दी से 0.003 mm। अब गेज टॉलरेंस तो दे दी, अब कहां पे आप लोग किस तरीके से दोगे, तो यहां पे वापिस कंसेप्ट आता है गो पोर्शन और नो गो पोर्शन का। हम लोगों को टेलर्स प्रिंसिपल के हिसाब से पता है कि गो पोर्शन हमेशा मैक्सिमम मेटल कंडीशन के हिसाब बनेगा और नो गो पोर्शन हमेशा मिनिमम मेटल कंडीशन के हिसाब से बनेगा। तो वापिस आप लोगों को जाना पड़ेगा मेरे इस स्लाइड के ऊपर, क्योंकि शाफ्ट के लिए जब रिंग गेज यूज होता है तो वहां पे जो मैक्सिमम मेटल कंडीशन होती है कोरस्पॉन्ड करती है अपर लिमिट को, प्लग के लिए उल्टा है, शाफ्ट के लिए उल्टा है, और यहाँ पे जब हम लोग लोअर लिमिट की बात करते हैं वो कोरस्पॉन्ड करती है मिनिमम मेटल कंडीशन को। दैट मींस मैं गो पोर्शन यहाँ पे जो बनाऊंगा, सॉरी मैं एक स्लाइड पीछे चला गया, तो यहाँ पे मैं गो पोर्शन जो बनाऊंगा वो रिलेटेड टू अपर लिमिट बनाऊंगा, रिलेटेड टू किसको बनाऊंगा, अपर लिमिट बनाऊंगा, किसके लिए, जब मैं रिंग गेज की बात कर रहा हूं तो मेरा जो गो पोर्शन होगा इट विल कोरस्पॉन्ड टू अपर लिमिट एंड नो गो पोर्शन जो होगा वो कोरस्पॉन्ड करेगा लोअर लिमिट को। तो यहाँ पे मैं गो कंडीशन के लिए लिख दूंगा मैक्सिमम मेटल कंडीशन के हिसाब से मुझे चाहिए मैक्सिमम डायमीटर, मतलब अपर लिमिट। सीधा याद रखिए डायमीटर मेजर करना है जब भी आप लोगों को शाफ्ट का एक्सटर्नल, तो डायरेक्ट जाना है प्लग गेज में, उल्टा जाना है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 30.01 और ये हो जाएगा आप लोगों का नो गो के लिए हो जाएगा लोअर लिमिट, मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का 29.98। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये जो टॉलरेंस देनी है 0.03 mm की, ये प्लस माइनस में पूरा आप इतना नहीं दे सकते, यहाँ पे आप लोगों को जो वैल्यू दी हुई है वो अलग अलग देनी पड़ेगी। किस तरीके से, कि प्लस में आप लोग दोगे 0.001, ओके 0.001 और इसकी, सॉरी ये वाली वैल्यू की, और माइनस में आप लोग दोगे 0.002, तो दोनों को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा वर्क टॉलरेंस। ये हमेशा याद रखिए, आप अगर प्लस माइनस 0.003 लिख दे रहे हो तो आप लोग गलत कर रहे हो, यहाँ पे जो लिमिट दी हुई है ना उसी को 10 से डिवाइड कर दो, शॉर्टकट ट्रिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 0.001 और माइनस में 0.002, इसी तरह यहाँ पे भी प्लस में 0.001 और माइनस में 0.002, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों की टॉलरेंस तो इतनी आनी चाहिए, वरना आप लोग अगर प्लस माइनस 0.003 लिखोगे ना तो क्या होगा कि वो आप लोगों की डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी वो आप लोगों की डबल, तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके बाद लास्ट में हम लोगों को ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा गेज वियर अलाउंस, क्योंकि वियर होगा तो वापिस वियर किसका होता है, यहाँ पे भी गो पोर्शन का ही वियर होता है, तो हम लोग गो पोर्शन में क्या करेंगे, गो पोर्शन को डिजाइन करेंगे 10% और छोटा, तो 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस यहाँ पे गेट टॉलरेंस लेंगे हम लोग, तो ये 0.003 को वापिस 10 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 0.0003 mm। तो गो पोर्शन को जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो उसका बेसिक साइज कितना होगा, 30.01 माइनस 0.0003, तो यहाँ पे ये डायमेंशन हो जाएगा आप लोगों का 30.0097, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है mm में, तो आप लोगों को इतना काम करना है एग्जाम के लिए, गेज डिजाइन आएगा तो ये सब काम आप लोग कर लोगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। विद दिस हम लोगों ने चैप्टर पूरा का पूरा 3 लेक्चर में खत्म कर दिया है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दी है चैप्टर वाइज लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस की, तो इन तीनों वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोगों का पूरा एग्जाम के लिए काम हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे मैंने टेलर्स गेज प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने समझा दिया है, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और टाइप्स ऑफ गेजेस भी बहुत बार आते हैं, और जो होल बेसिस सिस्टम है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम, ये रेगुलरली रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो आप इतना कर लीजिए, आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। बहुत कम समय में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों के तीनों लेक्चर इस चैप्टर में बहुत मदद करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज अटेंडेंस नहीं ली हम लोगों ने, अभी भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आज का क्लास बहुत लेट था मेरा, बट स्टिल
वी डिड इट एंड वी लर्न दी चैप्टर। अगले जो चैप्टर से एनडीटी और डीटी वाले थ्योरेटिकल है, बहुत अच्छे से इमेजेस और एग्जांपल के साथ पढ़ाऊंगा। थोड़े बड़े वीडियो होंगे जिस वजह से आप लोगों को मजा आए। कल के वीडियो के लिए रेडी रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में चालू कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जय हिंद एंड जय भारत।